तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रेडिट कार्ड ट्रैप के बारे में। जब भी आप किसी मॉल वगैरह में एंट्री करते हो या किसी भीड़भाड़ एरिया में एंट्री करते हो, वो आपको बोलते हैं सर आपके पास 2 मिनट हैं या मैम आपके पास 2 मिनट हैं। एक सेंसिटिव सा लड़का या एक मस्त सी लड़की आपको आके अप्रोच करती है और आपको दुनिया भर की चीज़ें बताती है। आपको बताएंगे कि ये क्रेडिट कार्ड ले लो, इसमें इतने रिवॉर्ड्स पॉइंट्स है, 50 दिन तक आपको पे नहीं करना है, लॉन्च का एक्सेस मिलेगा आपको, एयरपोर्ट पे डिस्काउंट मिलेगा, मूवी टिकट पे डिस्काउंट मिलेगा आपको, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया या और भी जितने तरह तरह के एप्लीकेशन हैं, बोलते हैं इस पर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा। यस, दैट इज़ गुड वे, ठीक है। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसते हो ना, वो सपोज आपकी क्रेडिट लिमिट 1,50,000, अब उसमें क्या होता है कि आपको कैश नहीं देना होता है। देखो, जब यहाँ पे बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा एक ट्रैप होता है, जब आप पैसे किसी को काउंट करके या गिन के दे रहे होते हो ना, तो आपका माइंड रीड कर रहा होता है, आपको लगता है कि आप किसी को उतना कैश दे रहे हो, और जब किसी को आप ऑनलाइन पे कर रहे होते हो तो उतना ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ता, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। यहीं पे बात करूँ मैं क्रेडिट कार्ड की, कि आप ये सोचते हो आपके माइंड में होता है कि चल यार EMI करा लेंगे, या चल यार 50 दिन तक उसका पेमेंट नहीं करना है मुझे, नेक्स्ट पेमेंट में दे देंगे। अभी होता कि आपने, चलो फॉर सपोज मैं मान लेता हूँ 30,000 की आपने शॉपिंग कर ली और उसके बाद आपने सोचा नेक्स्ट मंथ में दे देंगे। अब नेक्स्ट मंथ में कुछ हो गई प्रॉब्लम, या हो सकता है आप बिल पे नहीं कर पा रहे हो, तो जो मिनिमम उनका इंटरेस्ट रेट होता ना, वो 3% से स्टार्ट होता है। 3% मंथली में बात करूँ, जो कि ईयरली 40% के आसपास होता है, 40-45% तक इवन क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है, जो उनके चार्जेस होते हैं ना, वो होता है। एक तरीके से वो यहाँ से आपसे कमा रहे हैं। इन केस अगर आपने जो, जैसे मान लो आपका 10,000 रुपये का बिल जनरेट हुआ और आपने, आपका मिनिमम आया 3,000 रुपये, अगर आपने मिनिमम बैलेंस पे किया तो वो 7,000 रुपये इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और द बेस्ट वे यहाँ पे, ऐसा नहीं क्रेडिट कार्ड लोग यूज नहीं करते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट उसको स्मार्टली यूज़ करते हैं। अगर उनके अकाउंट में 1,00,000 रुपये पड़ा हुआ, अगर उनको 20,000 का TV खरीदना है, तभी वो जाके TV खरीदेंगे क्रेडिट कार्ड से, तो उनको दोनों फायदे होते हैं। 50 दिन तक पेमेंट नहीं करना, उसे 1,00,000 रुपये उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, रिवॉर्ड्स पॉइंट आ रहे हैं, और अगर फीस उसकी वेव ऑफ होने वाली है तो उसकी फीस वेव ऑफ हो रही है, तो वो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। बट यहाँ सबसे ज़्यादा फंसते हैं मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग, हम तुम लोग जैसे जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इसमें फंसते हैं, और इसी से ये लोग इतना ज़्यादा कमाते हैं, तभी ये बाकी लोगों को रिवॉर्ड्स पॉइंट, लॉन्च एक्सेस, एयरपोर्ट डिस्काउंट, फूड स्टॉल डिस्काउंट, तमाम तमाम तरीके के ये देते रहते हैं क्रेडिट कार्ड। तो मेरे दोस्त, अगर क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करने वाले हो तो बहुत ही स्मार्टली उसको यूज़ करें। इवन अब तो क्रेडिट कार्ड ऐसे भी हो गए हैं जो UPI से भी लिंक होते हैं, मतलब डायरेक्ट आप स्कैन करके पे कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि आप महीने का टोटल खर्च कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने इतने स्पेंड किए हैं टोटल 1 मंथ में, तो वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्मार्टली उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, आप उसको यूज करना नहीं जानते, तो क्रेडिट कार्ड को प्लीज यूज मत करिए कभी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, ये वीडियो अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करें जो क्रेडिट कार्ड अभी लेने वाला है या ले चुका है या फंसा हुआ है।